तो एक चेन है, चेन टेबल पे लटक रही है। क्यों लटक रही है? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो आप चेन का 1 सेंटीमीटर भी नीचे रखते हैं ना, तो पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाती। मतलब आप 99% चेन को टेबल पे रखें जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, और 1% चेन हवा में लटकाएं, तो 1% चेन का वेट उसको नीचे खींचेगा। रोकने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, और पूरी की पूरी चेन नीचे। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर चेन को नीचे लटकाना शुरू किया, और उसने मुझे कहा, देखो सर, चेन नीचे गिरी नहीं। मैंने कहा, और नीचे लटका। उसने और नीचे लटकाया, चेन नीचे गिरी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशेंट है। और नीचे लटका, और नीचे लटकाया। अब उसके पास एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है, चेन मैक्सिमम लटक गई। अब अगर उसने हल्का सा भी चेन को आगे धक्का मारा और थोड़ा सा और लटकाने की कोशिश की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। तो आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में ये लेंथ, मान लो ये लेंथ है वाई मैक्स, कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ दी चेन कितनी लटक सकती है, कि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे चेन नीचे गिर जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है वाई मैक्स की वैल्यू कितनी है। बस इससे ज़्यादा और चेन लटकेगी नहीं, इसके बाद तो नीचे गिरने वाली है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर दें। पहला पहला क्वेश्चन कि बताओ, इस केस में जो ये चेन लटक रही है, इसका मास क्या है? पहले मुझे ये बताएं, कितने लोगों, हाँ बोलो, कितना बोल रहे? एम ना, मैंने वेट नहीं पूछा, मैंने मास पूछा। जी छोड़ दो, एम मैक्स, ये तो कोई मास नहीं है। एम की फॉर्म में बोलो, एम बाय कितने लोगों को पता लग रहा है देखते ही कि ये एम बाय एल इंटू वाई मैक्स है, कि मैं देखते पुट कर दूंगा। उनकी प्रैक्टिस में बता रहा हूं आपको, उन्होंने देख रखा है कि जब रस्सी का मास होता था, चेन का मास होता था, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, तो हमने ये एक शॉर्टकट किया था, एम बाय एल इंटू वाई मैक्स। नहीं याद, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। क्या कि अगर टोटल चेन की लेंथ एल है तो मास क्या है? एम है। अगर वन है तो एम बाय एल है। इसे बोलते हैं चेन का मास पर यूनिट लेंथ। और हमने कितनी लेंथ का मास निकालना है? वाई मैक्स। तो एम बाय एल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वाई मैक्स। तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, और किसी को बोलना नहीं कि मैंने सिखाया। यूनिटरी मेथड नाम की कोई चीज़ नहीं है फिजिक्स में। ये तब लगता है जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लगा पा रहा हूँ। पर अदरवाइज जितनी किताबें हैं वो ये नहीं समझाती, वो कहती हैं टेक मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन एम बाई एल। तो पूरी चेन का मास अपॉन लेंथ लें, और जिस लेंथ का मास निकालना है उस लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? एम बाई एल को वाई मैक्स से मल्टीप्लाई। तो आज के हम सीधा शॉर्टकट मारा करेंगे, एम बाई एल इंटू वाई मैक्स सीधा। तो एम बाई एल तो लेना ही लेना है। कितनी चेन की लेंथ का मास निकालना है? वाई मैक्स। तो वाई मैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली मास आ जाएगा, कोई डाउट? कितना वेट नीचे लटक रहा है इसका, इसको जी से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फोर्स चेन को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो ये वो फोर्स है जो चेन को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। अब ये बताओ, बचा कौन रहा है चेन को नीचे गिरने से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये रही आपकी फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताओ, इस टेबल पे पड़ी हुई चेन का नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इस टेबल पे पड़ी हुई चेन का वेट, तो टेबल पे पड़ी हुई चेन का वेट क्या है? एम माइनस, ये पूरे का पूरा माइनस कर दें चलेगा, ये भी सही है। टोटल मास में से माइनस कर दें, या एक और भी तरीका जैसे मैं देख पा रहा हूं, शायद मेरी तरह और भी लोग देख पा रहे होंगे, इसकी लेंथ कितनी है? एल माइनस वाई मैक्स। टोटल लेंथ चेन की क्या है? एल। वाई मैक्स हवा में लटक रही है, तो टेबल पे पड़ी हुई चेन की लेंथ कितनी है? एल माइनस वाई मैक्स। तो इसका मास क्या है? सीधा ओरली बोलो, एम बाई एल को किससे मल्टीप्लाई करना है? एल माइनस वाई मैक्स, और वेट के लिए इंटू जी। तो ये क्या आ गया इसका? वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स इंटू जी। ये लो, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? टेबल पे पड़ी हुई चेन का वेट, क्योंकि जो हवा में लटक रही है उसका टेबल से लेना देना नहीं है, तो जो टेबल पे पड़ी हुई है उसका वेट निकाल लिया, और वही वेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आप ये चाहते हैं कि चेन नीचे ना गिरे, तो नीचे का जो वेट है कितना? एम बाई एल इंटू वाई
मैक्स इन टू जी, तो ये जो वेट है नीचे मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नीचे कौन सा वेट, कौन सी फोर्स चेन को नीचे गिर रही है, ये वेट, ये फोर्स नीचे गिर रही है, और कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन। तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, तो एम बाय एल इन टू वाई मैक्स इन टू जी इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। एम बाय एल वाई मैक्स इन टू जी म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, एम बाई एल इन टू एल माइनस वाई मैक्स इन टू जी, जी से जी कैंसल, एम बाई एल से एम बाई एल कैंसल, वाई मैक्स म्यू इन टू एल म्यू इन टू वाई मैक्स। तो म्यू को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया, अपने को वाई मैक्स निकालना है, तो वाई मैक्स एक तरफ वन प्लस म्यू ब्रैकेट में इज इक्वल टू म्यू इन टू एल, तो y max की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, म्यू एल डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू इज द आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वैल्यूज के साथ भी आ सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जैसा भी आया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है चेन वाली क्वेश्चन को कैसे करना है।